चल, अरे अरे अरे, अरे चल, अरे छोड़ो भैया, चल चल, अरे दुख रहा यार, अरे चल, अरे दुखता, अंदर चल, अंदर चल। अरे सर देख लो, कुछ लई दे के काम चला लो, अंदर चल, अंदर चल। तो इतना बड़ा क्राइम थोड़ी ना किए कि सीधा जेल में डाल रहे हो। अरे देख लो, कुछ लई दे के काम नहीं चलेगा क्या? अंदर चल, नहीं तो एक लात मारेंगे। यहाँ रिश्वत नहीं चलता, सब चलता है। देने का औकात है तब ना, इनका तो मुंह ही चवन्नी जैसा है। तो तुम्हारा इतना औकात है तो काहे नहीं देके निकल रहे हो? बेटा ये हमारी ससुराल है। ससुराल है, ये सब डायलॉग नहीं चलेगा। अंदर से कुबकुबा रहे होगी कि कब यहाँ से छूटे, और हमारे सामने यहाँ दादागिरी दिखा रहे हो। अरे बैठो भैया, यही खड़े खड़े महाभारत कर दोगे क्या? अरे हम का महाभारत करेंगे। अरे हटो भैया, ले भैया हमारा भी पैर दबा दे थोड़ा। तुम्हारा पैर उखाड़ के हम समंदर में फेंक देंगे। जानते हो किसके सामने अपना पैर दबाने के लिए कह रहे हो? इस शहर के सबसे बड़े डाकू हैं। अरे वो सोचे फेरी सेवा चल रही है तो दबा ले। नाम याद रखना चमन चड्डा है, ऐसा मार मारते आदमी चड्डे पहनना भूल जाता है। वैसे नाम क्या है भैया आपका? चंद्रू। बंदरू। चंद्रू चंद्रू। यहाँ कैसे पधारे? अरे मत पूछो भैया, अपनी गर्लफ्रेंड को रोज डे पे किस कर दिए थे, बस इसीलिए आगमन हुआ है हमारा। हमने बोला भी कि चलो किस डे पे रोज दे देंगे, मगर नहीं मानी। सोकर मनाओ भैया कि तुम्हारी वाली जेल भेज दी, नहीं तो हमारी वाली सीधा फांसी पर चढ़ाने तैयार थी। जैसे तैसे बचे हैं। धन्यवाद कमीनी, सॉरी कामनी। तो ये डाकू है? डाकू ही नहीं, हम हैं इस शहर के। इनका शकल देख के कोई ये ना कहे कि ये डाकू है। तुम कैसे कह रहे हो? बेटा खुफिया डाकू है, हमारा पेपर में नाम कम छपता है, काम सबसे ज्यादा होता है। खुफिया डाकू में नंबर वन पर आते हैं। जिसके कलेजम गुर्दा नहीं होता ना, वही खुफिया डाकू बनता है। उसको सबसे ज्यादा डर लगता है पुलिस से। तो इतने बड़े डाकू हो तो पकड़े कैसे गए? नहीं माने जो यहाँ की पुलिस जो ठीक से मच्छर नहीं मार सकती, वो इतने बड़े डाकू पप्पू चंगा को आखिर पकड़ी कैसे? काहे कि बैल है। अरे गए थे बैंक लूटने, लूटने के बाद वही बैठ के पैसे गिनने लगे, और हम लोग बोल रहे हैं कि भागो जल्दी पुलिस आ रही, तो क्या कहते हैं? वहाँ देखो काउंटर पे लिखा है काउंटर छोड़ने से पहले पैसे गिन ले, तो बस वही बैठ के पैसे गिनने लगे। पुलिस आई, आरती करते हुए जेल आई, आरती करते हुए। जय हो पप्पू चंगा की, सबको करते नंगा भी। उस दिन खुद ही नंगा हो गए थे। कालिया तुमको बोला था ना अगली बार से ये सब किसी के सामने ना कहना। ओ मतलब तुम कर सकते हो, हम बोल भी नहीं सकते। और तो और जेल आते समय जेलर को क्या कहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ एसी होना अनिवार्य है, हम बिना एसी के नहीं रहते। जेलर वही एक झापड़ मारता है, इनके दो दांत टूट के नीचे गिर जाते हैं। एक धूल में खो गए और बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ कि चलो फेविक्विक से चिपका देंगे। चिपकाना चाहते तो क्या कहते हैं कि नहीं ताबीज बना के गले में पहन लो। शेर के दांत है, गले में पहनने चाहिए, ऐसे आदमी है ये। तो भैया गोली बंदूक नहीं था, निकल जाते किसी तरह वहां से। गोली बोले थे इनको कि चंगा साहब गोली तो है नहीं तो लूटेंगे कैसे, तो कहते क्या है अभी हमारे पास पैसे वैसे हैं नहीं, चलो चल के लूट लेते हैं, हाथ में जब पैसे आ जाएंगे तो उधर ही गोली वोली खरीद लेंगे, और पैसे बच जाएं तो एकादुक बम भी खरीद लेंगे। वैसे भी आजकल पब्लिक खाली गोलिये देख के डर जाता है, चलाने की नौबत तो कभी आती नहीं। अभी अभी गोलियां होते होते हम लोग होते। अब पूछ चंगा दिमाग से नंगा, एक तो गबरवा जैसा खैनी खाने का आदत हो गया इनको, रोज रोज 10 रुपए खैनी लाने भेजते हैं बाजार, कहते गाड़ी में तेल नहीं तो कहते साइकिल से जाओ। मतलब पुलिस को कोई डरे नहीं, इतना कलेजा वाला आदमी हो गए हैं। कालिया अब तुझे मैं अपनी गैंग से निकाल रहा हूँ। अबे तू क्या मुझे निकालेगा रे पप्पू चंगा, मैं खुद तुम्हारी गैंग से इस्तीफा देता हूँ, और चड्डी भैया सॉरी चड्डा भैया के सामने अपना शीश नवाता हूँ। आशीर्वाद बेटा, खूब बड़ा क्राइम करो, तुम्हारे अंदर का टैलेंट देखकर हमको लगता है कि दुशासन तुम ही बनोगे, कपड़ा खींचे वाला। कपड़ा खींचे वाला?
कपड़ा खींचे वाला नहीं, कपड़ा खींचे वाला। जवानियम कान खराब हो गया क्या? भैया कहीं बाथरूम जाने वाला जगह है? बड़ी जोर से लगा है। हवलदार कहाँ है? आने दो उसको, तब जाना, खैनी लाने गया है। तो चड्डा साहब, चड्डी जी कहाँ है? अरे पागल हो क्या एकदम? हैं? वो उसा उसा है क्या दिमाग में? ये सब क्या बके जा रहे हो? ये चड्डी जंघिया पैंट शर्ट। अरे तो गलत थोड़ी ना कह रहे हैं, जैसे मिश्रा का मिश्रायन होता है, शुक्ला का शुक्लायन होता है, तो चड्डा का चड्डी होगा। नहीं। हाँ तो? हाँ, मिश्रा का मिश्रायन होता है। हाँ। हाँ, शुक्ला का शुक्लायन, पंडित का पंडिताइन, शर्मा का शर्माइन, ठाकुर का ठाकुराइन, चड्डा का चड्डाइन। हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं, सेम टू सेम। ठीक ही तो कह रहे हो, अब बुरा लगे तो क्या करे आदमी, जो कहना है मुंह पर सीधा। देखो इतना बुरे बेइज्जती हुए फिर भी कुछ न कर पा रहे, कम से कम एक चमाट तो मारना चाहिए। नहीं, हम पहले ही कह रहे थे, जिसके कलेजम गुर्दा ने होता वो ऐसे है डरपोक होता है। हाँ, लेकिन जिसके खोपड़ी दिमाग ने होता वो ऐसे है बेवकूफ होता है। वैसे भैया ये कलेजम गुर्दा कब से होने लगा है? भगवान ने कोई नया अपडेट निकाला है क्या? अरे तुमको नहीं पता, ये MBBS कर चुके हैं। हाँ, मर्डर में मर्डर वर्डर करते हैं ना, तो आते वाते निकालते हैं, तो वही सब में ट्रेनिंग किए हैं। एक कलेजम गुर्दा होता है कि गुर्दे में कलेजा। अरे यार तुम लोग यहाँ लड़े जा रहे हो, हमको यहाँ पैसा लगा है बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा। अरे यार यहाँ इतनी सीरियस टॉपिक चल रही है, शर्म नहीं आ रहा है? बीच में टांग आ रहे हो, ज्यादा टांग लंबा हो गया तुम्हारा, पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो हमको? अरे टांग लंबा नहीं, टाइम लंबा हो गया है, पौना घंटा से रोक के रखा है बेचारा। हाँ ज्यादा जोर से लगा है। हाँ। अरे रोवो ना, एक काम करो, यही कोने में कर लो, पानी मार देने ये वाला। गुहू गोबर वाला दिमाग है क्या तुम्हारा? रुक रुक, तुम करो, गुहू गोबर वाला बात नहीं है, तब से रोक के रखा है बेचारा, कितना करेगा? ज्यादा से ज्यादा 250 ml तो करवे करेगा, कर लेने तो। तुम करो, का है तुम नाप के रखे हो क्या जो 250 ml निकलेगा? अरे तुम करो ना यार, देख लेंगे, हम भी यहाँ के दादा हैं। किया तो अभी यही घर हम डुबाक मारेंगे। देखो हम यहाँ के दादा हैं, लेकिन हम इस जेल को बाथरूम बनने नहीं देंगे। तुम करो, अरे तुम करो ना यार, अरे तुम करो ना यार, कोई नहीं बोलेगा, अभी आए क्या वहाँ, आए क्या? अरे तुम करो, जल्दी करो, अरे इतना देर में तो हो गया होता, जल्दी करो। अरे यही गिलास फेंक के मारेंगे अभी तुमको। साला हद मचा रखा है एकदम।